सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले एक बैकग्राउंड मैंने ले लिया है। इस आर्ट बोर्ड का साइज़ हम यहाँ पे 1000 पिक्सल करेंगे। तो यहाँ पे हम विथ और हाइट यहाँ से इस जगह से 1000 टैप प्रेस कर लूँगा और फिर 1000 हम इंटर कर देंगे। ये एक सोशल मीडिया पोस्ट का साइज़ हमारे लिए परफेक्ट सा आ जाएगा। और ये चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं और इसका फ़ायदा भी आपको पता चलेगा। हमने क्या करना है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लेना है जो कि पूरे बैकग्राउंड पे हमने लगा लेना है इस तरीके से। और इसका कलर फ़िलहाल मैं ग्रेडियंट दे दूँगा और ग्रेडियंट को हम यहाँ पे इसको हाफ़ कर लेंगे, बस इतना सा। उसके बाद हमने ये ग्रेडियंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख लेना है और कलर इसमें ऐड करने हैं। कौन सा कलर मैंने यहाँ पे देना है, तो डबल क्लिक करूँगा, मुझे सबसे पहले डार्क ये वाला कलर चाहिए और फिर डबल क्लिक करके मुझे डार्क कलर चाहिए। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, लीनियर से रेडियल में चले जाएंगे और इसको हम रिवर्स कर देंगे कुछ इस तरीके से। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं, ग्रेडियंट टूल, और ग्रेडियंट टूल लेके हम इसकी पोजीशन को यहाँ पे क्लियर करते हैं। मैं यहाँ से पॉइंट लगा के ऐसे लेकर जाऊँगा, दरमियान से ये पॉइंट मुझे ऐसे चाहिए, तो बिल्कुल ठीक है। ये सेटिंग हमारे पास कुछ ऐसे आएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, फ़िलहाल के लिए इसको यहाँ पर ही रखते हैं। आर के साथ मैं इसकी कॉपी कर दूंगा और कॉपी करने के बाद आपके पास जिस तरह का ऑब्जेक्ट होगा, मींस मेरे पास इस तरह का ऑब्जेक्ट है, तो मैं इसी तरह के स्वाचेज़ यहाँ पे लूँगा, मतलब ये कलर और ये कलर। तो कैसे ये कलर कॉपी होंगे, तो मैं ज़रा कार का मैंने जूम कर लेना है। ये कलर मुझे चाहिए, तो मुझे आई ड्रॉपर लेना है, क्लिक करना है इस जगह पर। अब लाइट कलर आ गया यहाँ पर भी और यहाँ स्वाचेज़ में भी, तो ये कलर उठा के मैं यहाँ पर रख लूँगा ऐसे करके। और दूसरा मुझे यहाँ से डार्क कलर चाहिए, तो ये डार्क कलर भी उठा के मैं यहाँ पे रख लूँगा। अगर तीसरा कलर भी आपको चाहिए तो आप यहाँ से ये वाला कलर भी या फिर ये वाला कलर भी इसमें लेके इसको भी आप यहाँ पे रख सकते हो। गुड हो गया, मींस आपको जिस तरह की प्रोडक्ट होगी उस तरह के कलर आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके हम यहाँ से ग्रेडियंट पे दोबारा से क्लिक कर लेते हैं। ग्रेडियंट पे हो गया क्लिक, हमने क्या करना है, यहाँ से जो कलर हमने कॉपी किए हैं उनको हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ग्रेडियंट हम दोबारा से ग्रेडियंट टूल लेंगे और इसकी पोजीशन हम यहीं से उठा के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे लेकर जाएंगे। तो ये कुछ ऑब्जेक्ट हमारे पास ऐसे दिख रहा है, बिल्कुल इसकी सेटिंग हमारे पास ऐसे आ चुकी है। अब हम नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप इसमें हम लेंगे और इसमें हम जो इसकी मेन हेडिंग है उसको थोड़े डिफरेंट तरीके से यहाँ पर मैं करने वाला हूँ, तो ज़रूर आप इंजॉय करेंगे। सो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास प्रोस्पेक्टिव ग्रिड टूल है, हम क्लिक करेंगे ये ऑब्जेक्ट में हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगा। हमने इसकी सेटिंग को देखना है, यहाँ पे ये पॉइंट मेरे पास है तो थोड़ा सा मैं ऊपर कर लूँगा। आपने ये सेटिंग कॉपी कर लेनी है, बिल्कुल एज इट इज़ आपका ये ऑब्जेक्ट आना चाहिए। बॉटम से तकरीबन ये ठीक है, टॉप से भी, और लाइनें भी हमारी यहाँ पे ठीक हैं, बिल्कुल सही है। हमने क्या करना है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल लगा लेना है कुछ इस तरीके से और इसमें हम ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगा देंगे और कुछ इस तरीके से इसको साइज़ में यहाँ पे कौन सा टूल लेना है, प्रोस्पेक्टिव सिलेक्शन टूल। प्रोस्पेक्टिव टूल से हम इसको कवर करेंगे और इसका कलर जो है वो हमने सॉलिड देना है, तो सॉलिड कलर हम कौन सा देंगे जो हमने यहाँ पे लगाया। तो स्वाचेज़ में चले जाएंगे, हम ये सॉलिड कलर इसमें लगा देते हैं और या ब्लैक, हमने यहाँ पे ब्लैक चाहिए तो ये कलर या फिर डार्क कलर ये वाला हम यहाँ पे दे देते हैं। फ़िलहाल के लिए हमारा ये कलर यहाँ पे चलेगा डार्क वाला, और इसके साथ साथ या फिलहाल हमें ये कलर चाहिए इसके लिए। लाइट कलर भी अगर हम रखते हैं तो उसकी ऑप्शन वगैरह हमें फिर कम करनी पड़ती है, तो फिलहाल ये कलर ठीक है। इसके साथ हम दोबारा से रेक्टेंगल टूल लेंगे और अब राइट ग्रिड पे चले जाएंगे और राइट ग्रिड पे हम कुछ इस तरीके से इसको ड्रैग कर देते हैं बिल्कुल उसी तरीके से, और यहाँ पर ये कलर डार्क वाला हम ले लेते हैं और ये पॉइंट हमारे पास कुछ ऐसे बन जाएंगे दोनों। अब सारा काम हमारा प्रोस्पेक्टिव पे है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे मैंने लिख के रखा हुआ है, आप भी लिख के रख लें। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल सा काम है, आप यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव सिलेक्शन टूल लेंगे, इस ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, आपने इसको यहाँ पे अलग करना है, कंट्रोल जेड करता हूँ, और यहाँ पे आपने लेफ्ट ग्रिड को सिलेक्ट करना है और इसको लेकर जाएंगे यहाँ पे लेफ्ट ग्रिड में। तो आप फिलहाल इसकी पोजीशन यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट राइट बैकवर्ड से टॉप में कर लेते हैं और कुछ इस तरीके से इसको
साइज़ में बढ़ा देते हैं। हमें ज़रूरत पड़ी तो हम मज़ीद इसको देखेंगे। फ़िलहाल मैं तकरीबन इसको इतना सा ही रख रहा हूँ। और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेक्टेंगल टूल ले लेंगे। रेक्टेंगल टूल लेके मुझे एक छोटी सी ऑब्जेक्ट ऐसे ही एक्स्ट्रा यहाँ पे बनाना है और इसको स्वैप कर देना है। स्वैप करने के बाद हम क्या करेंगे, यहीं से टूल हम ले लेंगे, डायरेक्ट प्रोस्पेक्टिव सिलेक्शन टूल, और इस ऑब्जेक्ट को हम कुछ ऐसे बनाएंगे और प्रॉपर्टी में जाके इसके पॉइंट्स जो हैं वो ज़्यादा कर देंगे, 5 पॉइंट रख देंगे। फ़िलहाल के लिए बिल्कुल ठीक है। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर फिर रेक्टेंगल लेंगे और रेक्टेंगल को मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। और ये मुझे किस तरीके से चाहिए, मुझे ये राइट ग्रिड पे चाहिए, तो राइट ग्रिड पे मैं कुछ इस तरीके से इसको लगा देता हूँ ऐसे करके। और फिर हमारे पास प्रोस्पेक्टिव सिलेक्शन टूल है, इसकी मदद से हम इस ऑब्जेक्ट को ज़्यादा या कम करना चाहें तो कर सकते हैं। साथ साथ हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको देख लेंगे। तकरीबन हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो फ़िलहाल के लिए यहाँ पे रेडी है। अब हमने मज़ीद इस पर काम करना है इसको क्लोज़ करके। तो प्रोस्पेक्टिव ग्रिड टूल फिर से लेंगे, यहाँ पे क्रास के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे लग गया। अब हमने क्या करना है, ये कार वाला जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है हम यहाँ पे ले आएंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट ब्रैकेट से टॉप में कर लेंगे और शिफ्ट के साथ साइज़ हमारा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा। साइज़ हम तकरीबन ऐसे रख लेते हैं। अब ये जो ऑब्जेक्ट हमारे पास बना पड़ा है इसकी सबसे पहले हमने ऑब्स्टिकम करनी है और ये तकरीबन ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे डार्क रहना चाहे तो डार्क रख सकते हैं, लाइट रखना चाहे तो लाइट। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, इसको भी ऐसे रहने देता हूँ। अभी इसमें मज़ीद हमने काम करने हैं तो इसका स्वाचेज में कलर जो है मैं ज़रा ग्रे ले लूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा मुझे लग रहा है। और हमें इसकी ऑप्स्टी जो है वो कुछ इतनी सी चाहिए, ज़रा डार्क कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, ये सेटिंग भी इसमें सही आएगी। फिर हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। एक रेक्टेंगल लेके हमने यहाँ से पॉइंट लगा देना है यहाँ तक और कुछ ऐसे इसको क्लोज़ कर देते हैं। अच्छा, ये क्लोज़ करने के बाद हम शिफ्ट के साथ इनको सिलेक्ट करेंगे और ये तीनों पॉइंट को और ये वाला हिस्सा हमने डिलीट करना है तो यहाँ पे हम शेप बिल्डर ले लेंगे, आर के साथ आर को दबाएंगे, ये डिलीट हो जाएगा टोटल। ये ऑब्जेक्ट हमारे पास पूरे का पूरा बच गया। अब इसकी मदद से हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक शेडो बनाएंगे। तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है इसको फ़िलहाल के लिए मैं ऑप्स्टी में फुल कर देता हूँ और इसका जो कलर है वो मैं ज़रा डार्क कर देता हूँ। यहाँ नीचे जो कलर मेरे पास डार्क है ग्रेडियंट टूल लेके मुझे इसकी पोजिशन को ज़रा लाइट करना है। दोबारा से मैं यहाँ से ड्रैग करके बड़ लेके चला जाता हूँ कुछ ऐसे करके। साथ साथ आप कलर को चेक करते रहिएगा, अगर ज़रूरत पड़े तो आप चेंज कर सकते हैं। इस ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट करूँगा, इसमें ग्रेडियंट लगाएंगे। ग्रेडियंट में हमने क्या करना है, रेडियल से लीनियर चले जाना है और लीनियर से हम क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट ग्रेडियंट टूल ले लेंगे और ऊपर से नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। एक काम अब यहाँ पर रिवर्स कर देंगे, डार्क ऊपर आएगा, लाइट नीचे है। लाइट जो है इसको हमने बिल्कुल ज़ीरो कर देना है, इसकी ट्रांसपेरेंट बनानी है। ट्रांसपेरेंट बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको क्लोज़ करेंगे और प्रॉपर्टी में चले जाएंगे। प्रॉपर्टी में जाके ऑब्स्टी में आना है और नॉर्मल से हम मल्टीपल पे क्लिक कर लेंगे ताकि ये डार्क कलर के साथ मिक्स हो जाए। अब हमने ये काम करने के बाद सिलेक्शन टूल लेना है और इसको कंट्रोल ब्रैकेट के साथ हम स्टेप नीचे लेकर चले जाएंगे। अच्छा, इसका क्या फ़ायदा होगा, ये जो ऑब्जेक्ट आपने लगाया इसका स्वाचेज में आप एक 10% कम कर देंगे और यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को आप कंट्रोल ब्रैकेट के साथ नीचे लेकर जाएंगे। अच्छा, इसकी हमने जस्ट शेड बनानी है तो इसको हम रखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रेडियंट टूल लेंगे और इसकी पोजिशन हम यहाँ से टॉप की तरफ लेकर जाएंगे। यहाँ पे हमने जस्ट शेड बनाना है इसका कि ये मतलब लगे प्ले, मतलब दीवार की जो जॉइंट होता है वैसे वाला कुछ हमने इसमें आइडिया सा देना है। तो तकरीबन हमें यहाँ पे वो चीज़ मिल गई। तो देखें बड़ी प्यारी सी एक डेप्थ यहाँ पे हमें मिल गई। साइज़ को इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, तकरीबन ये यहाँ पे आ जाएगा। अब मज़ीद इसको डेकोरेट करते हैं, अच्छा करते हैं। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट मेरे पास मौजूद है, मैं इसको और इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। ऑब्जेक्ट में जाके मुझे इनको एक्सपांड करना है। फिल स्ट्रोक हमने एक्सपांड कर लिया। अब यहाँ पे मुझे कलर कौन सा चाहिए तो मैं यहाँ से वाइट कलर ये लगा देता हूँ और ये तकरीबन मुझे येलो शर्ट चाहिए तो मैं येलो यहाँ पे लगा देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे आर के साथ कॉपी करनी है और कॉपी करके मुझे अपने ऑब्जेक्ट को कुछ ऐसे रखना है और ये तकरीबन ऐसे आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका कलर डार्क कर देंगे और कंट्रोल ब्रैकेट के साथ ज़रा पीछे कर लेंगे इसको। अच्छा, इसका शेड बनाना है तो हम प्रॉपर्टी में जाएंगे, इसकी ऑप्शन हम कम कर देंगे, जस्ट ये शेड सा हमें दिखेगा। तो हमने कलर कौन सा देना है, ब्लैक, 100% ब्लैक।
तो हम ये 100% ब्लैक इसमें यूज़ करेंगे। अब ये इसका शेड अच्छे से आएगा, लेकिन ऑप्स्टिक हमने मज़ीद कम करनी है तकरीबन यहाँ तक, ये सेटिंग आ जाएगी। अब बॉटम से हमें इसे क्लोज़ करना है, तो हम इन दोनों को इसको सेलेक्ट करेंगे पहले, फिर बैकग्राउंड को सेलेक्ट करेंगे और शेप बिल्डर लेके आर के साथ जस्ट हमने यहाँ पे क्लिक करना है, तो ये सब हमारा डिलीट हो जाएगा, जिससे हम आसानी से ये वाली शेप यहाँ पे देख सकते हैं इसका शेडो। अब इस शेडो को हम मज़ीद ब्लर करना चाहें तो इफेक्ट्स मेन्यू में जाएंगे और ब्लर में चले जाएंगे। ब्लर में गार्जियन ब्लर ले लेंगे और गार्जियन ब्लर को प्रीव्यू करके बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ लेवल तक हम इसको ज़्यादा करेंगे, ओके कर देते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट ज़रा ब्लर भी आ जाएगा और अच्छे से आ जाएगा। इसको भी सिलेक्ट करेंगे, ऑप्शन में जाएंगे, नॉर्मल से हम मल्टीपल पे क्लिक कर लेंगे ताकि ये भी कलर के साथ अच्छे से मर्ज हो जाए। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा काफ़ी क्लियर और सही दिख रहा है। अब दूसरा ये ऑब्जेक्ट भी हमें इसी तरीके से कॉपी करना है, तो मैं इसको तकरीबन यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ, वही तरीका इस्तेमाल करना है। कलर हमने टोटल ब्लैक इसमें देना है, तो डबल क्लिक करके हम टोटल ब्लैक जो कलर है वो लगा देते हैं और इसकी ऑप्शन जो है वो हम कम कर देते हैं 17 पॉइंट और कंट्रोल ब्रैकेट से स्टेप ज़रा नीचे कर लेते हैं। तो ये शेड भी हमारा कुछ ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे लाइट ज़्यादा इस साइड पे है, तो इस वजह से इसकी ऑप्शन थोड़ी लाइट ही रखनी है। तो ये ऑब्जेक्ट हमने तकरीबन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। मज़ीद इसमें लोगोज़ वगैरह जो होते हैं हम यहाँ पे कैप्शन दे देते हैं और तकरीबन सारी सेटिंग हमें यहाँ पे मिल गई। कार का साइज़ जो है वो बड़ा कर देते हैं और निशान का जो वर्ड है इसको भी हम यहाँ पे साइज़ में थोड़ा बड़ा करेंगे। ये ऑब्जेक्ट हमें कुछ ऐसे मांग रहा है, तो बिल्कुल सेटिंग हमारी सही है अच्छे तरीके से। लोगो आपके पास है तो कार का मॉडल और कंपनी नेम का लोगो जो होता है वो भी आपने यहाँ पे लगा देना है। ये हमने लगा दिया पहले से ही। तो ये तकरीबन आप मज़ीद इसमें कुछ चीज़ें लिखना चाहें तो स्पेस मैंने छोड़ दी है, वो चीज़ें आप इसमें आसानी से लिख सकते हैं।